वेलकम टू एमटीसी। आज हम लोग जो सीखेंगे वो कॉस्टिंग चैप्टर का, लेबर चैप्टर का, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का सम्स सीखेंगे। तो आइए, हम ऑलरेडी मैंने एक बोर्ड पे सम्स दिया हुआ है और उस सम्स को हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, आसानी से कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसमें बच्चे लोगों को काफी तकलीफ भी होता है, काफी दिक्कतें भी आती है, उस दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे इजी मेथड में बताया गया है, तो आज हम लोग इसी को ही देखेंगे। तो यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। तो मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो कि लेबर चैप्टर का है, उसमें दिया हुआ है क्या फॉर्मूला, यहां पर हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर वन, वो है एफिशियंसी। एफिशियंसी मतलब दक्षता, निकालना है कि कितना प्रोडक्शन करने का दक्षता है, सामर्थ्य है, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। एफिशियंसी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, ये एक फॉर्मूला एप्लीकेबल है। उसके बाद एक फॉर्मूला है नंबर टू नीचे, नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे। ओके, और जो मेन चीज है मेरिक्स का वो ये याद रखना है हम लोगों को, ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है और इसका ही एप्लीकेशन जो है यहां पर हम लोग करते हैं और इसी चीज का एप्लीकेशन ही हम लोग का इसका टोटल वेजेस निकालने में मदद करता है। तो मेन हिस्सा जो है मेरिक्स का वो यही है, क्या कि एफिशिएंसी लेवल जो निकालेंगे, जितना भी परसेंटेज में कैसे निकालेंगे वो अभी हम सम्स में बताएंगे। तो एफिशिएंसी लेवल में बिलो 83.13% रहने पर क्या होता है, वेजेस पेमेंट जो करेंगे वो 100 करेंगे। अब भाई ये बिलो 83.13% मतलब 83.13% से नीचे अगर रहता है, सपोज 83% तक रहता है, 83% तक सपोज अगर रहता है, तब हम लोग कितना वेजेस पेमेंट करेंगे भाई, 100%। 100% मतलब जो हम एक नॉर्मल वेजेस पेमेंट कर रहे हैं उस उतना ही पेमेंट करेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसके बाद है सेकेंड, 83.13% से लेके 100% अगर रहता है तो वेजेस पेमेंट का जो परसेंटेज है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 110%। क्लियर। उसके बाद एबव 100%, जब एबव 100% रहेगा तो उसका वेजेस पेमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 130%, बढ़ के माने 100 से 130% हो जाएगा। तो ये तीन चीज केवल याद रखना है, ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एफिशिएंसी लेवल एंड वेज पेमेंट परसेंटेज अंडर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस और पीस रेट सिस्टम। क्लियर। अब हम लोग सम्स देखेंगे इस पे, ये हम इंट्रोडक्शंस के लिए बताया, अब हम सम्स देखेंगे। मैंने एक बोर्ड दे दिया है और इस सम्स में क्या है हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इन अ फैक्ट्री वर्क्समैन आर गेटिंग नॉर्मल वेजेस एज ₹100। एक नॉर्मल वेजेस एक फैक्ट्री में कितना दिया जा रहा है, ₹100 करके। फॉर नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट क्या है भाई, 8 आवर्स। हम लोग जानते हैं कि एक फैक्ट्री में काम करने का नॉर्मल टाइम क्या है, 8 आवर्स। तो 8 आवर्स काम करके 100 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसको कितना मिलता है भाई, ₹100। किस हिसाब से मिलता है, वेजेस के हिसाब से। अब कैलकुलेट वेजेस ऑफ द वर्क्समैन अंडर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर में निकालना है क्या, वेजेस। कैलकुलेट वेजेस क्या, प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, 100 यूनिट्स एंड 135 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तो इन चारों यूनिट का निकालना है कि हमारा टोटल वेजेस कितना है। ओके, तो 8 घंटा काम करके 100 यूनिट्स बनाता है। ओके, 8 घंटा काम करके कितना यूनिट्स बनाता है, 100 यूनिट्स बनाता है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा सम्स में कितना है, 100 यूनिट्स, और उसका नॉर्मल वेजेस कितना है, ₹100। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे यहां एक चार्ट के रूप में हम लोग करने से सुविधा होगा क्या, हम लोग विदाउट चार्ट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है चार्ट का, लेकिन चार्ट के रूप से करने से आसानी से समझ में आएगा। तो क्या है चार्ट में, सबसे पहला घर में बनाएंगे वर्कमैन, उसके बाद बनाएंगे आउटपुट, आउटपुट को दो भाग में बांटेंगे, एक एक्चुअल आउटपुट और एक स्टैंडर्ड आउटपुट। क्लियर। इसके बाद निकालेंगे एफिशिएंसी, उसके बाद होगा परसेंटेज ऑफ वेज पेमेंट, परसेंटेज ऑफ वेज पेमेंट, और उसके बाद टोटल वेजेस। बस इस 6 स्टेप पे ही हम लोग इस सम्स को पूरा आसानी से बना सकेंगे, कोई भी सम्स है मेरिक्स में। तो देखते हैं,
तो वर्कमैन कितने तरीका का निकालना है, कितना यूनिट दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो हम लोग वर्कमैन को चार मान लेंगे, कितने हैं, पहला वर्कमैन, दूसरा वर्कमैन, तीसरा वर्कमैन और चौथा वर्कमैन, तो 1, 2, 3, 4, क्लियर, ये समझ में आया, 1, 2, 3, 4। अब हम लोग आएंगे आउटपुट, आउटपुट में क्या है, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड मतलब क्या बताए थे, यही हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो सम्स में गिवन दिया रहेगा यूनिट, दैट इज आर स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब सबके लिए 100 यूनिट है, चारों वर्कमैन के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, 100, 100, 100, 100, क्लियर, ओके, यहां तक तो समझ में आया। अब हम लोग का जो यूनिट दिया हुआ प्रोड्यूस कितना कितना कर रहा है, 75 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, 100, तो 75 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, 100 यूनिट्स एंड 135 यूनिट्स, ये हमारा एक्चुअल आउटपुट हो गया। तो 75 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, 100 यूनिट्स और 135 यूनिट्स हमारा एक्चुअल आउटपुट हो गया, क्लियर। अब एफिशियंसी निकालेंगे, एफिशियंसी निकालने का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। तो अब सबका हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे भाई, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यहां वर्किंग नोट्स हम बना रहे हैं, वर्किंग नोट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या है, एक्चुअल आउटपुट क्या है, 75, तो पहला का अगर हम लोग निकालते हैं तो 75 एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड तो सबका 100 है, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या है, 100 किए तो कितना परसेंट निकल गया, 75%, ये हमारा हो गया इसका 75%। इसी तरीके का सबका निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे तो आएगा 90%, तीसरे का निकालेंगे तो 100%, चौथे का निकालेंगे तो 135%, ये हमारा निकालने का एफिशिएंसी का आसान तरीका, समझ में आया, कुछ नहीं किए, एक्चुअल आउटपुट से स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड दिए, इनटू 100 किए, सबको ऐसे ही इसी फॉर्मूला में हम लोग सभी निकालेंगे। ये हमारा एक का है एक्चुअल आउटपुट कितना, 75 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 100, इनटू 100 किए तो कितना आ गया, 75, 100 100 कर दिया, आ गया 75%। इसी तरीके का सबका परसेंटेज निकाल दिए, क्लियर। अब ये हमारा हो गया एफिशियंसी निकालने का, 75%, 90%, 100% और 135%। अब परसेंटेज ऑफ वेज पेमेंट, परसेंटेज ऑफ वेज पेमेंट जो करेंगे वो हमारा देखना होगा कि किस हिसाब से हम लोग परसेंटेज ऑफ वेज पेमेंट करेंगे। तो ये एफिशिएंसी से ही यहां पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, बिलो 83 1/3%, बिलो ये 75% जो है वो बिलो है, तो बिलो होने का मतलब बिलो होने से कितना परसेंट देंगे वेज, 100%, मतलब यहां हम लोग क्या देंगे, 100%, क्लियर। ये हो गया 90%, सेकेंड स्टेप है 90%, 90% किसके बीच में आ रहा है, सेकेंड स्टेप में आ रहा है, 83 1/3 से ज्यादा है 90% और 100 से कम, तो इसका वेज पेमेंट कितना है, 110%। बस इसी को देख के, एफिशिएंसी को देख के यहां से कितना परसेंट वेजेस देना है ये देखना है, क्लियर। फिर 100% है तो 100% भी सेकेंड में ही आता है, मतलब इसका भी वेज पेमेंट कितना होगा, 110%, क्लियर। अब आ रहा 135%, तो ये क्या हो गया, एबव 100%, थर्ड स्टेज में आया, तो थर्ड स्टेज के लिए कितना वेज पेमेंट परसेंटेज है, 130%, तो ये हम लोग दे दिए 130%, क्लियर। तो ये जो हमारा है यही 75% के लिए हम लोग देख लेंगे यहां से कि कितना है 100%, इसके लिए कितना है 110, इसके लिए भी सेम 110, एबव एफिशिएंसी अगर एबव 100% आता है तो उसके लिए कितना है 130%, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है जब हमारा परसेंटेज ऑफ वेज पेमेंट निकल गया तो अब हम लोग को टोटल वेजेस निकालना है। तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, टोटल वेजेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्चुअल आउटपुट है, मतलब एफिशिएंसी को ही पकड़ लेते हैं, यहां से जरूरत नहीं, और एक तरीका है आसानी से, एफिशिएंसी जो आया, इस एफिशिएंसी से हम लोग कर सकते हैं। तो 75% इसको 75% नहीं लेके 75 पकड़ेंगे, इनटू इसका डायरेक्ट कितना है 100%, कितना परसेंट 100%, तो 75 का 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 ही आएगा, तो यहां 75 आया।
90% का मतलब 90 का इसको 90 पकड़ेंगे, परसेंट नहीं, डायरेक्ट ये निकालने के बाद 75 पकड़ेंगे इसको, 75 का 100% रुपीज में आ जाएगा, ये टोटल वेजेस जो है वो रुपीज में आ रहा है, तो 75 का 100% कितना आ गया 75, 90 का 110 कितना हो जाएगा, तो 90 का 110 निकालेंगे तो 99, क्लियर, 100 का 110% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और 135 का अगर हम लोग निकालते हैं 135 का कितना परसेंट भाई, 135 का 130% अगर इसको करते हैं तो अप्रोक्स कितना होगा वो हम लोग को देख लेना होगा, 135 का 130%, अब इसको हम लोग जीरो से जीरो क्रॉस किए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 52 जा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 52 जा 57 जा, ओके, तो 27 इंटू 13 करेंगे तो 27 इंटू 13 करते हैं तो कितना हो जाएगा ये देख लेंगे हम लोग, उसके बाद इसको करने के बाद आया हमारा 1 और 5, यहां आया 3, ओके 3 5 1, अब 3 5 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, करेंगे तो 2 1 जा 2, ये हम लोग डिविजन, हम लोग का तो कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर में ही कर लेंगे, लेकिन जिनका कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वो कैसे करेंगे, इस तरीका से काट के करेंगे, इसलिए हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कैलकुलेटर अलाउ है, हम लोग इजीली कैलकुलेटर में मारेंगे कितना 135 को 135 इंटू 130% का साइन दबाएंगे कैलकुलेट हो जाएगा, तो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 2 1 जा 2 7 जा और 5 जा 0.5 जा 175.5 175.5, तो यहां लिख दिए 175.5, 5 मतलब 0, 50 पैसे माने 175.50, अब हम लोग क्या करेंगे इसको टोटल करेंगे और एक्चुअल आउटपुट को टोटल करेंगे, तो एक्चुअल आउटपुट को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, 5 5 10 कैरी 1 0 2 2 2 4, ओके 400, कैलकुलेटर में ऐड करके देख लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा 9 1 10 17 18 19 20 25 5 2 4, 459.50, ये हमारा हो गया टोटल वेजेस, दिस इज आवर आंसर, देयरफॉर टोटल वेजेस अंडर मेरिट्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज 459.50 रुपीज, 459.50, यही हमारा आंसर, समझ में आया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पीस रेट सिस्टम को देखेंगे और थोड़ा ट्रिकी सम्स भी देखेंगे, आशा करते हैं समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।